वेलकम टू राजसुशीला होलिस्टिक्स। मेरे लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगा, वेल्थ कैसे रहेगा और रिलेशनशिप कैसे रहेगा ये बताऊंगी। इससे पहले आपसे निवेदन है, आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सेशन के समाप्त में मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लगा रही, अंत तक वीडियो देखिए और आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो एक कागज़ पे लिख के रखिए और क्वेश्चन आंसर सेशन में जो भी कार्ड निकालूंगी उसके हिसाब से आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो मेष राशि के लिए हफ्ता कैसे रहेगा देखेंगे। हेल्थ के लिए आपको आया है द कार्ड डेविल। करियर और बिजनेस व्यवसाय के लिए आया है एम्प्रेस और रिलेशनशिप रिश्ते नातों के लिए आया है टू ऑफ सोर्ड्स। और ये एक टोटम बर्ड कार्ड भी निकाल रही हूँ, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आया है देखेंगे। द ईगल आया है। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेविल कार्ड आया है। ये कार्ड कह रहा है आपको कुछ एडिक्शंस है नहीं तो कुछ वीकनेसेस है, जैसे कि अल्कोहल लेना, नहीं तो स्मोकिंग करना, नहीं तो ज़्यादा चाय भी पीना, ऐसे आपको व्यसन से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको जागरूक से रहना चाहिए। इससे आपका सेहत में थोड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। ओनली 20% पॉजिटिव, 80% नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, इसलिए जागरूक से रहिए। करियर और बिजनेस और व्यवसाय में एम्प्रेस आया है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये कह रहा है कि आपको आपके व्यवसाय के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में एक रिस्ट्रिक्शंस हुआ होगा जिसे आप उसे ऊपर आना आपको नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन अब वो टाइम निकल चुका है। अब आपका नए नए आइडियाज़ आप कर सकते हैं और नए सुझाव के साथ आप आगे बढ़ के और आपके बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए और बिजनेस और जॉब के क्षेत्र में भी आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और उसको आप कार्यक्षेत्र में लगाने से आपका ख्याति भी बढ़ेगी। 90% पॉजिटिविटी। और रिलेशनशिप में टू ऑफ सोर्ड्स आया है। ये कह रहा है कि आप कार्यक्षेत्र और घर नहीं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे दो क्षेत्र है जिसे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसका असर आपके रिलेशनशिप में आपके रिश्ते नातों में पड़ रहा है, इससे आपको स्ट्रेस और व्यथा हो रही है। इसको आपको काबू करने से आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें सुधार आ जाएगा। आपको बैलेंस के साथ रहना है, ये कार्ड कह रहा है। ओनली 30% पॉजिटिविटी। और यूनिवर्स के तरफ से आपको आया है द ईगल कार्ड। ये कह रहा है यू विल अचीव समथिंग सून, आप कुछ जल्दी पाने वाले हैं। योर एम्बिशंस विल बी फुलफिल्ड, आप जो बहुत दिनों से आपके मन में कामनाएं थी वो आप हासिल करने वाले हैं। गेट रेडी फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट, वो सक्सेस और विजय प्राप्त करने के लिए आप तैयार रहिए, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। ये यूनिवर्स के तरफ से आपको आने वाला संदेश है। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको आप जो भी क्वेश्चन लिख के रखे हैं उसका जवाब यूनिवर्स से क्या आ रहा है। आपको आ रहा है 8 of Pentacles आ रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपका जो भी है वो सही है, ये यस कार्ड है, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा संदेश है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क यानी श्रम करना पड़ेगा, उससे आपको अच्छा फल मिलेगा, ये आपका संदेश है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए।